नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक है वो है नील टेम्परेचर। क्या है टॉपिक? नील टेम्परेचर। यह आज का हमारा टॉपिक है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है। तो जो ये नील टेम्परेचर है ये दिया गया था एक फ्रेंच फिजिस्ट था, और इसको 1970 में नील कौन था ऐसा आप ऐसे समझ सकते हो। ये डिस्कवर किया गया था बाय नील, और ये फ्रेंच फिजिसिस्ट, और इसको 1970 में नोबेल प्राइज भी मिला था। अब देखिए हमारा नील, ये तो इसका ब्रीफ इंट्रो हो गया कि नील टेम्परेचर किसके द्वारा दिया गया था। तो इस नील टेम्परेचर की जो डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी नील के द्वारा, जो एक फ्रांस का फिजिसिस्ट था, और 1970 में नोबेल प्राइज मिला था। अब देखिए नील टेम्परेचर कहता क्या है और इसके बारे में बताता हमें। तो इसने बताया कि ये टेम्परेचर टेम्परेचर लिमिट एक तो आपकी ऐसी सीमा लिमिट एट विच एन एंटी फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम ए पैरामैग्नेट ये देखिए इसकी डेफिनेशन है। तो नील टेम्परेचर बताता है कि एक ताप की ऐसी सीमा जिस पर जो हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है वो कन्वर्ट। तो जो हमारा नील टेम्परेचर वो ये बताता है कि एक ताप की एक ऐसी सीमा जिसके बाद जो हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो बिकम है पैरामैग्नेट। इसका अर्थ है कि जो हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है ताप की एक ऐसी सीमा जहाँ पर वो अनुचुंबकीय में कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज द नील टेम्परेचर। और इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। होप करते हैं आपको इस समझ में होगा कि नील टेम्परेचर क्या होता है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।